हम बात कर रहे थे कि कृषि में किस तरह की किसान है आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एक किसानों की शिकायत बराबर रहती है कि उनको अपने उपज का दाम ही नहीं मिल पा रहा। आपको लगता है कि कारोबारी इसमें कुछ कर सकते हैं अलग से, कुछ सरकार को आप एक बार भूल जाएं, आप फूड इंडस्ट्री के प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिशा में क्या कर सकती है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डायरेक्टली तो सर कुछ कर नहीं सकती, पर तरीका वो सरकार जो करी, बहुत जगह प्रोक्योरमेंट सेंटर है, प्रोक्योरमेंट सेंटर पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे माल खरीदा जाता है। जैसे मूंगफली आई, मूंगफली खरीदी गई, अभी मूंगफली का सीजन है या जौ का सीजन है, खूब सपोर्ट प्राइस पे खरीदा जाता है। इनफैक्ट सरकार वो लॉस लेकर के खुद बेच लेती है, तो हो सकता है कोई कम्युनिकेशन। आपको क्या लगता है फूड इंडस्ट्री में क्या संभावना है ओवरऑल, और हम बात करें 2018 में तो किस तरह से संभावना देख रहे हैं? फूड इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जो डेटा कहता है कि जो आदमी का 4500 रुपया जो खर्च करता है, उसका 4500 रुपया फूड या फूड अलाइड एक्टिविटीज पे जाता है जो खर्चा होता है, तो और ये ग्रोइंग है, और इसके अंदर वैल्यू एड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। और राजस्थान में किन किन फील्ड में, कौन कौन से फील्ड गिनाया कुछ फील्ड? राजस्थान में पर्टिकुलरली अभी जैसे आपको पता है कि ऑलिव की खेती चालू हो गई है, ऑलिव के अंदर काम किया जा सकता है। हमारे यहाँ ग्वार गम बहुत बढ़िया उगता था, सरसों बहुत ज्यादा उगता था, जो ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा उगते थे उन्हीं में वैल्यू